हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत मैं कर रही हूँ सुबह के नाश्ते से। तो आज मैं बना रही हूँ मूंग दाल का मूंगलेट बोलते हैं, मूंगलेट मतलब ऑमलेट की तरह बनाएंगे, या चिल्ला मान के चलिए, चिल्ला ही वो समझ लीजिए, लेकिन यह है मूंग दाल का मूंगलेट करके बनाया है मैंने। तो ये नाश्ते में बहुत अच्छा लगता है। इस साबुत मूंग को हमें पीस के और सारी सब्जियां वगैरह जो भी हैं मसाले और सब्जियां मिला के फिर इसको अंडे की तरह बनाते हैं। जैसे देखिए, अगर आप अंडा नहीं खाते हैं ना नॉन वेज, तो कुछ इस तरीके से बनाइए और सुबह सुबह खाइए। एकदम प्रोटीन से भरा हुआ नाश्ता, ये बहुत ही अच्छा होता है और स्वादिष्ट तो होता ही है क्योंकि मूँग दाल का है। तो इसे सॉस या चटनी के साथ परोसिए और फिर खाइए। तो चलिए, थोड़े थोड़े मिर्च भी हैं, अब देखते हैं ये लगेगा तो फिर डैडी को मज़ा आ जाएगा। और इसको लगाना है, मेरा एक पहले वाला भी था पर वो सूख गया, उसकी वजह से दूसरा लाना पड़ा मुझे। अभी पहले लगाते हैं इसको। तो देखिए, यहाँ पर मैंने पेड़ को लगा लिया गमले में, इसे अंदर ही रखूँगी, बाहर के भी पौधे आपको दिखा रही हूँ, बहुत सुंदर लग रहे हैं। ये अंदर मैंने लगाया है, इसको बड़े गमले में ही शिफ्ट कर दिया क्योंकि प्लास्टिक वाले गमले थे मेरे पास, मैंने कहा ये थोड़ा सुंदर लगता है तो इसको अंदर रखेंगे। और आज मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा योगा करूँ, और योगा मैं कभी कभार करती हूँ पर जब तबीयत ठीक रहती है तब, और कभी कभार नहीं भी करती हूँ, पर मैंने कम किया। पर मेरी बेटी ने बोला कि मम्मी मैं करूँगी, तो आज आप लोग उसका देखिए योगा, बहुत अच्छा योगा करती है। और ये एक्चुअली डांसर है, तो डांस की वजह से इसके बॉडी बहुत फ्लेक्सिबल है और इसके सारे योगा के जितने भी स्टेप्स हैं सब आते हैं। चलो तो फिर मैं दूसरा काम करती हूँ, और बिटिया रानी अभी झाड़ू लेके बैठी है। मैं बोला था, मैं थोड़ा सा कैमरा टेढ़ा करके अब दिखा रही हूँ कि देखिए ये इनका काम है तो ये कर रहे हैं, और मैं हल्के फुल्के काम कर कारपेट क्लीनर। तो ये सस्ता वाला है ये बहुत अच्छा है, लेकिन है ना इसमें ना, अब इसको आप उतार इसको भी सकते। निकालेंगे कैसे इसको? देखो ना, एक शीट होगी ना, वहां से हटा दो। ये देखिए कुछ इस तरीके से होता है, इसको आप उतार सकते हैं, और जब भी कपड़े वपड़े पे ऐसे रुएं लग जाए ना उसको आप हटा सकते हैं। और मैं कहाँ से खरीद के लाई हूँ आप कमेंट करेंगे तो बताऊंगी क्योंकि बिना कमेंट के बताने का कोई फायदा नहीं है। क्लीनर है, कारपेट क्लीनर, कारपेट क्लीनर नहीं है एक्चुअली, ऊनी कपड़ों के लिए है, लेकिन मैंने इसको यूज़ कर लिया है, इस पर जुगाड़ कर लिया है। तो अब दूसरा कारपेट साफ करती हूँ, पहले इससे कर लेते हैं फिर उससे कर देंगे, है ना। इससे जो मोटे मोटे कूड़े हैं वो निकल जाएगा, तो इसको हटा देना है फिर ये नए वाले से कुछ इस तरीके से, जिससे कि ऊपर ऊपर जो भी गंदगी वाला कूड़ा हुआ ना वो चिपक जाएगा इसके अंदर, तो एकदम क्लीन लगेगा। अच्छा है ये, लेकिन मुझे तो अच्छा लगा। तो आज हमने सोचा जो एक बेड है हमारा उसी को कई बार हमने सोचा कि इसको कुछ कलर वलर करवाएंगे, तो जब कलर के लिए पूछते हैं तो कुछ ज़्यादा ही महंगा बताते हैं। तो मैंने सोचा ये पहले भी वाइट किया हुआ था और वुडन है तो इसको करना आसान है, तो मैंने सोचा जो चलो खुद ही कर लें। तो कुछ इस तरीके के ब्रश से आप इसको पहले थोड़ा रगड़ लें, सफाई कर लें मतलब, क्योंकि मेरे पास रेग मार्क नहीं था तो मैंने इसी से करना ज़रूरी समझा, या फिर जो ब्रश होते हैं ना बर्तन मांजने वाले आप उससे भी कर सकते हैं, मैंने बाद में उसी से किया था। और कुछ इस तरीके से इसको रगड़ के जो ऊपरी गंदगी होगी ना वो निकल जाएगी। तो आज हमने यही सोचा कि बेड को थोड़ा सा पहले साफ सुफ करके, और उसमें बहुत ज़्यादा पीला हो चुका है तो उसको हम कलर करेंगे। तो सामान पहले ही हमने निकाल लिया था लेकर के, कोई और ऐसे
कुछ इस तरीके से इसको झाड़ लेंगे कि गंदगी निकल जाएगी, उसके बाद इस पर पेंट लगेगा। तो कुछ गंदगी उधर निकली है, ये सब जो है ना बिल्कुल ऐसे हो गया, मतलब दाग लग गया है, और तो कुछ नहीं है। तो यहाँ पर ले रही हूँ मैं ये डिलक्स का नॉर्मल पेंट है, ये वॉल पेंट है, इसको आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, लकड़ी पे भी और किसी भी चीज़ पे। ये नॉर्मल पेंट होता है जो इसको करने में सबसे ज़्यादा आसानी होती है। आप डिलक्स के बदले कोई और भी ले सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि यही वाला ले, पर मैंने ये वाला लिया है। तो एक तो ये हो गया, और साथ में एक लेना हमें बाउल, और एक चाहिए ब्रश। तो ये ब्रश ना पेंटिंग ब्रश है जो मैं करती रहती हूँ उसके लिए, पर मेरे पास अभी ब्रश नहीं था तो मैंने यही ब्रश ले लिया है। तो आप लोगों के पास अगर ये वाला जो पेंट वॉल पेंट करने वाला पेंट होता है ना ब्रश, वो आप मंगवा लेना, क्योंकि ये ब्रश थोड़ा देर लगेगा इसमें करने में। फिर मैं कोशिश करती हूँ, नहीं होगा तो फिर लेना ही पड़ेगा। तो चलिए इसको मैं आपको दिखाती हूँ कि हम ना क्या करेंगे। और सबसे ज़रूरी बात, हाथ में दस्ताने ज़रूर पहन लें, क्योंकि देखिए पहले ही कलर लग चुका है। तो हम थोड़ा सा मिलाएंगे, पहले लेंगे पेंट, और इसी से कुछ इस तरीके से पूछ के रख लेना, और इसको टाइटली एकदम बंद करके आप रख लीजिए, नहीं तो ये सूख जाएगा। इसमें थोड़ा सा हम पानी मिला लेंगे, ज़्यादा नहीं मिलाना, नहीं तो फिर ये बनेगा नहीं, क्योंकि ये बहुत गाढ़ा होता है, इसीलिए मैं इसमें थोड़ा सा पानी मिला ली हूँ। थोड़ा गाढ़ा और पतला रह जाएगा, एक खूब अच्छे से मिला देंगे ना तो फिर ये खूब सही हो जाएगा। देखिए कुछ इस तरीके से। चलिए फिर मैं शुरू करती हूँ। तो यहाँ से हमने करना शुरू कर दिया, और कॉर्नर को पकड़ा पहले मैंने, क्योंकि वहाँ से सीधा सीधा हमें करना था। बाद में नीचे वाले तो किसी और बड़े ब्रश से भी हम कर सकते हैं, तो पहले मैंने ऊपर का कॉर्नर कर दिया कि वो सीधा हो एकदम से और अच्छे से हो जाए, तो सूखने में भी जल्दी हो जाएगा, फिर रखने के लिए आसानी हो जाएगी। तो बस ऐसे ही लेना है ब्रश में, आपको पेंट लगाइए और कुछ इस तरीके से जैसे मैं अभी कर रही हूँ, कुछ इस तरीके से आप करते जाइए, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। ये बहुत ही आसान तरीका है करने का। तो आपको जब भी मतलब पेंट वगैरह करना हो लकड़ी में, तो आप ऐसे ही रेग मार्क से पहले उसको रगड़ दीजिए, और उसके बाद ऊपर से पेंट कर दीजिए। लेकिन अगर आपको अगर लकड़ी वाले कलर को लाना है, तो फिर उसके लिए कुछ और होता है, वो मैं बाद में आपको बताऊंगी, अगर कमेंट करेंगे तो मैं आपको बता दूंगी। वो कुछ अलग चीज़ होता है, उसमें कलर को मिलाया जाता है, एक आता है ऑयल उसके साथ। तो कुछ इस तरीके से मैंने एक कोट किया, फिर बाद में दूसरा कोट करूँगी। तो ये मेरे से बाहर से नहीं हो रहा था, तो मैं बेड के अंदर ही आ गई, क्योंकि बाहर से झुक झुक के करने में थोड़ी सी मुश्किल हो रही थी। तो कुछ इस तरीके से, और जो कॉर्नर पे लग जाए ना, तो उसको फिर कपड़े से आप थोड़ा सा कपड़ा ले, सूखा कपड़ा, गीला कपड़ा नहीं, गीले कपड़े से करेंगे तो फैल जाएगा, सूखा कपड़ा ले और उसको हल्के से थोड़ा सा रगड़ दें। तो यहाँ पर मेरे पास एक वॉल पेंट करने वाला ये ब्रश है, ब्रश ही बोलते हैं इसको, जो रोलर होते हैं वो है। तो उससे मैं ये जो नीचे वाले एरिया है ना उसमें कर लूँगी, नीचे का जो तख्ता है ना उसमें कर लूँगी, वो आसानी हो जाएगा करने में, क्योंकि काफ़ी बड़ा है हमारा बेड। तो कुछ इस तरीके से, और ऊपर वाले कलर को भी मिलाने में आसानी होगी। जहाँ जहाँ पर भी आपको लगे कि कलर थोड़ा ज़्यादा लगा है, तो वहाँ पर आप इस ब्रश की सहायता से कर सकते हैं। तो देखिए हमने आधे घंटे के अंदर पूरा का पूरा बेड हमने कर लिया। तो कुछ मैंने किया, कुछ मेरे हस्बैंड ने किया, तो दोनों ने मिलके हमने किया था। और देखिए दोनों तरफ हो चुका है, अंदर का थोड़ा काला दिख रहा है, क्योंकि ऊपर के बेड का जो छाया होती है ना वो दिख रहा है। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि इसमें हम कपड़े कैसे रखेंगे। तो कपड़े रखने के लिए देखिए ये गत्ते होते हैं ना, ज़्यादा कुछ इतना नहीं करना, गत्ते जो होते हैं इस
मतलब सेब वाले जो आपके दीवान के अंदर आ जाए, तो उसको क्या करेंगे हम इस तरह से काट लेंगे पहले ऊपर वाले हिस्से को। वैसे भी अमेजोन वगैरह से हम मंगवाते रहते हैं कुछ ना कुछ, और मैं सारा का सारा डब्बा एकदम जमा करके रखती हूँ क्योंकि मैं फेंकती नहीं हूँ, कभी काम आ जाता है किसी भी चीज़ में। तो इस डब्बे के ऊपर काफ़ी चीज़ें लगी हुई थी, ये कभी सामान हमने शिफ्ट करवाया था उसमें तार वार बांध के आया होगा। तो इन सब को मैं काट दूँगी और क्लीन कर दूँगी। और उसके बाद देखिए कुछ इस तरीके से मैंने ऊपर से थोड़ा सा लेवल कर दिया है। अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा सा डेकोरेट भी करें तो बहुत ही आसान तरीका मैं आपको बता रही हूँ कि कोई बड़ा फैला हुआ जो टी शर्ट होता है ना पुराना, जैसे घर में और लोग जो जैसे जेंट्स वगैरह पहनते हैं, तो उस टाइप के जो टी शर्ट होते हैं जो धुलते धुलते थोड़ा ये हो जाता है कि एकदम पतला हो जाता है, उसके बाद तो हमें किसी को देना ही होता है। तो आप कुछ इस तरीके से घुसाइए और उसको नीचे वाले लेवल पे ना एक और कपड़ा रख दीजिए, उसके बाद ये इतना सुंदर लगता है देखने में भी और रखने में भी आसानी होगी, वो ढक भी जाएगा। वैसे मैं ये इस तरीके से नहीं रखूँगी, इसको निकाल दूँगी, बस आपको दिखाने के लिए मैं बता रही हूँ कि कुछ इस तरीके से आप कर सकते हैं। बाकी आप डेकोरेशन भी कर सकते हैं, काफ़ी सारी तरह की चीज़ें आती हैं उससे आप डेकोरेट कर सकते हैं। अगले वीडियो में मैं ज़रूर आप लोगों को इस तरह के कार्टन को डेकोरेट करना बताऊंगी। तो देखिए ये अंदर जाए ना, तो दोनों बाजू को क्या करें, मैंने कुछ भी नहीं काटा क्योंकि ये भी बाद में कभी हमें काम आ सकता है, तो मैं कुछ इस तरीके से इसको रख दूंगी। लेकिन थोड़ा बड़ा और फैला हुआ टी शर्ट लेंगे ना बहुत अच्छा से हो जाएगा। और टी शर्ट का मटेरियल ऐसा होता है कि थोड़ा हौजरी टाइप में होता है, तो खूब बढ़िया आराम से वो लग जाता है, देखने में भी सुंदर लगता है। और देखिए कुछ इस तरीके से मैंने 3 डब्बे तैयार किए हैं, तो 2 में तो नहीं लगाया मैंने, 1 में लगाया है। और उसके बाद बस इसमें हमने कपड़े इस तरीके से रख दिए। तो जो पुराने कपड़े होते हैं ना वो हमें पता नहीं चलता जो हमने कहाँ रखा है क्या किया है, तो कुछ इस तरीके से अलग अलग करके रख लें, जैसे कि आपको पता रहेगा कि ये एकदम पुराने हैं, ये थोड़े नए हैं, बांटने वाले हैं, कैसे हैं। तो मैं कुछ इस तरीके से रख लेती हूँ और फिर जब भी ज़रूरत पड़ती है तो बस उठा के देखती हूँ कि इसमें कौन सा कपड़ा है। तो देखिए इस तरीके से मैंने अपने दीवान को सेट कर लिया, और आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ये वीडियो कभी भी कहीं किसी भी जगह पे अगर आपको पसंद आती है तो ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा। और अभी इसको बंद कर देते हैं, देखिए अब कितना क्लीन लग रहा है जितना मेरा गंदा लग रहा था पहले, और आज देखिए बिल्कुल ही सही लग रहा है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में आप लोगों के साथ, और फिर बनाते हैं कोई और ब्लॉग। चलिए बाय बाय।